बातू कसल तो मतलब खेव वजह से सतीश दादा का लड़का देखो आगे आगे जा रहा है, पीछे ले पीछे ले पीछे ले काटेगा। ये पानी देखो कैसा पिएगा बंदर, पानी पीते थे भाई सब पर। ये हम लोग की बोतल लेके गए पानी पीने के लिए, बहुत प्यास लगी थी। आज कौन आ रहा है? कोई है जो मेरा बहुत खास है और मिलेंगे उनसे गेटवे ऑफ इंडिया में। बहुत दिनों से हम डिसाइड कर रहे हैं कि दादा आप कभी आएंगे मिलने के लिए, कभी मुलाकात होगी हमारी। तो नेक्स्ट वीक में न जाने ऐसे कितने नेक्स्ट वीक चले गए और लगभग 2 महीने हो चुके हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो अभी मुलाकात होएगी हमारी, तो थैंक यू दादा मुलाकात के लिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से रहेंगे। और आज कुछ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझसे मिलने के लिए मेरे एक दोस्त आ रहे जिनके हाल ही में 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके और बहुत अच्छा लग रहा है उनसे मिलने के लिए। काफ़ी दिनों से उनको बुला रहा हूँ मिलने के लिए, मुलाकात के लिए, तो टाइम भी नहीं उनको मिल रहा है और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा बिजी था, मेरा भी शेड्यूल बिजी था, तो इस वजह से मैं नहीं मिल रहा था उनको, टाइम नहीं दे पा रहा था और वो भी बिजी थे, तो इसकी वजह से दोनों का मिलन नहीं हो रहा था। तो अभी मिलन होने वाला है, अभी वो मिलने वाले मुझको, तो मैंने बुलाया हूँ गेटवे ऑफ इंडिया में। तो गेटवे ऑफ इंडिया से हम लोग जाएंगे एलिफेंट आइलैंड के लिए और वो आ रहे और उनकी फैमिली आ रही है। तो टाइटल देख के आप लोग समझ गए रहेंगे कि मैंने किसको बुलाया हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, एस फॉर सतीश, जिनका चैनल बहुत ही बड़ा चैनल है, बहुत ही बड़े यूट्यूबर है, बहुत ही बड़े व्लॉगर है, तो उनसे आज हम लोग मुलाकात करेंगे। तो अभी वो ऑन द वे है, रास्ते में ये पहुँचने वाले, तो आने के बाद हम लोग जाएंगे साथ में एलिफेंटा आइलैंड। तो मुझसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए इतना दूर से आ रहे, वो पनवेल में रहते, तो पनवेल से गेटवे ऑफ इंडिया आ रहे, बहुत दूर है, लगभग 1.5 घंटा ट्रेन से जाता है, बाय बस अगर रोड से अपन आएंगे तो रोड से आने के लिए हम लोग को 2 घंटा तो मैक्सिमम जाता है क्योंकि ट्रैफिक वगैरह मिल जाता है। तो सतीश दादा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझको आज मिलने के लिए, आज मेरे लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आ जाओ मुलाकात करते आपसे। तो इंतज़ार की घड़ी तो ख़त्म हो चुकी है और मेरे साथ में आ गए सतीश भाई। तो सतीश भाई से भी मैं आपको मिलाता हूँ। तो ये है हमारे, नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सब लोग, कसे आहात तुम्ही सगळे जण, मजेत ना? मी तुमचा मोप मध्ये काही दिवसांपासून आपला झाला होता, येऊया येऊया, आमच्या गावाला आज नाही सकल नाही, नेक्स्ट वीक अखेर तर नेक्स्ट वीक अखेर आला। म्हणजे आम्ही लॉकडाऊन मुळे थोडासा लेट झाला, ऍक्च्युली आपले दादा एक खास भेटायला आम्हाला गावी आलेले, पण काय त्यावेळेस नव्हतो, दापोरीला गेलेलो, पण आमचं फोन वरती बोलणं असायचं मुंबईला आल्यानंतर, पण आता फायनली भेटलोय, सगळे फॅमिली आलेली आहेत, फॅमिली आम्हाला खास केबिन मध्ये बसायला दिले दादाने, लय भारी आणि भारी वाटतं। तुमचा शुक्रिया मी अदा करता का की तुम्ही आल्या बोलेच्या नंतर, जरा बरा वाटला तुम्ही आला इथे भेटल्या आपण, आता जाऊया एलिफंटा, आता बोट निघाली आपली, एलिफंट गेटवे वरून बोट निघाली आहे, म्हणजे गेटवे ऑफ इंडिया आहे आणि आता आम्ही चाललो एलिफंटा। अभी स्टार्ट करेंगे इंजॉय, क्योंकि बोट में आने के बाद सी बोट बाजू में आते तो बहुत ही अच्छा लगता है और ये मोमेंट हाथ से जाने को नहीं देता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है। सतीश दादा अभी यहाँ पे शूट कर रहे हैं और काफ़ी सारे यहाँ पे बर्ड आए सी बर्ड, तो उसकी शूटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे प्रांजू है, प्रांजू भाई घर, ये सतीश दादा की बड़ी बेटी है और छोटा बेटा अंदर बैठा है और भाभी भी अंदर बैठी है, मस्त वाटते ना। अरे साइड लो, पक्षेत ना असे तोंडामधून असे कुरकुरे करून होतो,
कॉफी करताय राजू तू करत लागाव आता सतीश दादा तुम्ही करा तुमची बॉडी आहे ओके ऑल द बेस्ट आणि हा आला पंची आणि हा घेऊन गेला आला मस्त वाटला ना और सतीश दादा के हाल ही में 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा सतीश दादा के ब्लॉग की आप लोग जाओ और उनके वीडियो देखो बहुत अच्छे वीडियो बनाते अक्सर अभी ये लॉकडाउन में जब घर पे देना तो बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है ना सतीश दादा गावातले शूटिंग के लिए सगळे गाँव के सब शूटिंग निकाले थे गाँव में कैसे जीते है गाँव में कैसा लाइफस्टाइल होता है कोंकण में खास करके वो सब हमने दिखाया था और उसके बाद हम लोग कोंकण गांव छोड़ के जब भी मुंबई में आते हैं शहर में आते हैं तो उधर का भी लाइफस्टाइल हम लोग दिखाते हैं खाली गांव का ही यहां का भी हमारा कुछ अलग लाइफस्टाइल होता है वो भी दिखाते हैं तो आप देख सकते हो जाके और इनके साथ में जो निखिल भी है निखिल वो भी उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जाके देखो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाते और अपन ने तो अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट की है यूट्यूब की तो आएगी आस्ते आस्ते व्लॉग माझे जेवढे पण सबस्क्राइबर असतील ना त्यामुळे जितने भी सबस्क्राइबर है वो सब लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ अली भाई का भी तुम चैनल सब्सक्राइब करो जरूर सब्सक्राइब करना थैंक यू अभी उनका स्टार्ट किया चैनल लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा हम लोग भी स्टार्ट किया था तो इसे स्टार्ट किया था बराबर स्टार्टिंग में बाद में लोग सपोर्ट करते हैं बराबर सब अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छे सपोर्ट करेंगे सही है इनको सपोर्ट करना तुम ओके थैंक यू दादा एलिफंटा में पहुंच गए हम लोग एलिफंटा से जाएंगे अभी हम लोग ऊपर और मेरे साथ में प्रद्नो जो सतीश दादा का बेटा है लास्ट नंबर पहली बेटी कैमरा चालू किया शांत है बोट में तो बहुत मस्ती किया इसने धूमल मचाया था और अच्छा लग रहा था जैसे सी बर्ड आते ना तो उसको एंजॉयमेंट बहुत हुई अभी थोड़ा शांत है पिछले टाइम जब भी मेरा पिछला जो ब्लॉग गया एलिफंटा का उस टाइम तो एक ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सर्विस तो बंद था अभी फिलहाल चालू हो चुका है तो ये सर्विस उन लोगों के लिए जो लोग ऊपर चढ़ नहीं सकते 120 सीढ़ियाँ जो लोग चढ़ नहीं सकते तो वो लोग के लिए सर्विस रहता है और इसका चार्जेस अभी फिलहाल 2000 रुपीज़ है आना जाना दोनों इसमें रिटर्न है 2000 रुपीज़ में रिटर्न है और काफ़ी अच्छा है क्योंकि जो लोग यहाँ तक आते हैं और अगर ऊपर नहीं घूमेंगे जो मेन केव्स है वो अगर घूमेंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं ना आके तो थोड़ा सा और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो लोग भी जाके आ सकते अभी हम लोग देखेंगे जो एलिफेंटा केव्स के अंदर जो ये मूर्ति वगैरह है तो इनको अपने हाथों से उस टाइम पर उस लोगों ने बनाया हुआ था तो यहाँ पर प्लेयर भी आप लोग देख सकते कि किस तरह से ये प्लेयर वगैरह बनाए हुए थे और ये पूरे पहाड़ के अंदर पहाड़ का ही बना हुआ है ये एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है ये पहाड़ों के अंदर ही अपने हाथों से खोदेद के बनाया हुआ है एक्चुअली मुझे महाड़ की जो लाइनें जो मेरा पिछला वीडियो है आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं वहाँ पे ओपन करो तो वहाँ जब भी मैंने वीडियो किया था तो अंदर मेरे को गुफा के अंदर जाना नहीं तो मिला क्योंकि वहाँ पर भी मूर्ति है वहाँ पर भी बनाया हुआ है लेकिन वहाँ पर जाना नहीं मिला था इसके बाद बोलेगे आपको सतीश दादा तो सतीश दादा के इससे आप लोग सुनो सतीश दादा क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते बघताय या सगळ्या मूर्त्या आहेत ना दगडामध्ये कोरलेल्या आहेत आणि किती कलाकुसर बारीक केलेली आहे बरोबर बोलले हो सतीश दादा की यांची कलाकारी लईच खूप चांगली आहे बघायला पण जरा चांगला वाटते या साईडला बघा ही सगळ्यात मोठी मूर्ती आहे त्या साईडला पण मूर्ती आहेत काही आणि वरती पूर्ण असं दगडाचं कोरीव काम हे सगळे खांब आहेत ना कोरीव काम केलेले बघा दगडामध्येच केलेलं आहे आणि इकडे प्रांजल बघा मस्ती करते पद्नू बघा आता धावतोय या दोघांची धमाल चालली सध्या मोठा होईल ना प्रद्नू तेव्हा बोलेल आम्हाला पप्पा आणि मम्मी घेऊन गेलेले घारापुरीला खास लेणी बघायला आणि आमची आली दादा बघा वर्षा पण आहे तिकडे थोडासा विरंगुळा म्हणून फॅमिलीला आपण कधीतरी असं घेऊन आलो ना की बरं वाटतं धडपडतोय पडतोय पण मजा करतोय तो मजा आली जरा
तो अभी हम लोग यहाँ पे गाइड से इन्फॉर्मेशन लिए, तो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लिए, सतीश भाई ने सब कुछ बोले उनको, तो उनको पूछा ना तो उनका नाम कुछ हो ही रहे सर, अच्छे से गाइड किया, अच्छा ऐसा मालूम दिया अपने को इधर क्या क्या है। तो यहाँ के वो यहाँ के लोकल ही है, यहाँ गाँव के रहने वाले, यहाँ के प्रॉपर यहाँ के, तो अच्छा लगा। इधर के लोग भी अच्छे हैं और यहाँ पे क्लीन है सब, और यहाँ पे सिक्योरिटी भी अच्छी है। और आप यहाँ पे तो सेकंड टाइम आए, फर्स्ट टाइम आए तभी आपका चैनल नहीं था, आपने चैनल नहीं था, मेरा चैनल नहीं था, मेरी छोटी बच्ची थी, मतलब प्रांजू है, उसको लेके आए, उसको लेके आए थे। उस समय तो हम लोग खाली घूमने आए थे, यहाँ खाना पीना खाए, मजा मस्ती किया और चले गए। और घूमने के लिए कैसा लगा? घूमने के लिए एकदम मस्त लग रहा है मुझे, मतलब फैमिली को लेके आने के लिए बेस्ट प्लेस है, मतलब उनको अच्छा लगता है। बच्चे लोग रहते थे यहाँ, मंकीज है यहाँ पे, मतलब ठंडी हवा रहती है। हम लोग दो एक्सपीरियंस लेते हैं, एक तो समुद्र से आने का बोट का, हम लोग उधर गेटवे पिंडे भी देखते हैं, यहाँ पे भी देखते हैं, खाना पीना होता है, वन डे पिकनिक मस्त होता है। मतलब जो भी कोई मुंबई में रहता है वो यहाँ पे आके विजिट करता ही करता है, ऐसा कोई नहीं होगा जो मुंबई में रहता है जो यहाँ पे आया नहीं है। फिक्स है, मस्त लगता है। यहाँ पे प्रंजोय क्या कर रही है? ये बच्चे लोग की तो बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत मजा कर रहे हैं। इधर मंकी भी है, मंकी आया है, त्याने तोंडा मध्ये जमून ठेवलं सगळं। आता जर बिस्किट काढले ना आपण, ते सगळी वाट लावणार तो आपला पाठवूनच येणार तो, हे सगळे येतील जमा। ते बघा आले, त्याला आवाज बोध झाला त्यांना। देखो जैसे ही सतीश भाई ने बिस्किट के लिए निकाले तो फटाक से बंदर देखो पीछे आ गया। देखे जरा पण आपण हा खोलला ना तरी अवस्था नाही, तो काय पाहिजे आपण आला मागे कुठे बाजूलाच आहे, चावणार नाही घुसकून घेऊन जाईल कॅमेरा पण होता अभी। हम यहाँ पे देखेंगे बंदरिया का कमर, और ये बंदरिया प्रेग्नेंट है, और जाने दो इसको सताना अच्छा नहीं है, बस थोड़ा सा मजा करेंगे इसके साथ में, मस्ती करेंगे। तो चलो सतीश दादा अभी जाते हैं अपन खाना खाने के लिए, टाइम हो चुका है और भूख भी लगाए, तो जाते हैं खाना खाते और फिर नीचे उतरते बोट में जाके बैठ जाएंगे और रिटर्न गेटवे ऑफ इंडिया में। पिछले टाइम जब भी मैं आया था तभी इतनी यहाँ पे गर्दी नहीं थी, मतलब जस्ट लॉकडाउन खुल चुका था तो लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं आते थे। अभी आप लोग देख रहे कि आपके लोग ज़्यादा है और अच्छे से घूम रहे, मज़ा कर रहे, एंजॉय कर रहे, हम लोग ने भी एंजॉय किए। मेरे तो टॉप वगैरह सब बताया था, अभी वहाँ पे जाने को दिल नहीं करता, अगर सतीश भाई बोलेंगे तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर, लेकिन थोड़ा दूर है, बच्चे लोग भी है ना, हम लोग जाते थे लेकिन ये लोग है ना इसके वजह से नहीं जा रहे। पानी आए, अरे बंदर ने पानी ले लिया। अब ये पानी देखो कैसा पिएगा बंदर, पानी पीता थे। ये हम लोग की बोतल लेके गए पानी पीने के लिए, बहुत प्यास लगी थी। हाँ जितेश थे उन्हें थोड़ा भर लगा बस जाना। खाना खाने का टाइम हो चुका है और खाने के लिए क्या मालूम है सतीश भाई ने क्या लाए, सतीश भाई के वाइफ ने भाजी नहीं लाई, बटाटे का भाजी, बटाटे का भाजी लाए, जो वड़ा पाव के लिए या फिर पूरी वाली के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं वो भाजी, और घर का खाना आज खाने को मिलने वाला है, और ये फ्लावर की तरकारी और रोटी लाई हुई, और ये अचार लाया हुआ। तो भाभी अभी सब निकल, दावत है, और अभी हम लोग और क्या मंगाए पता क्या, फ्राइड राइस भी मंगाए। हाँ इसके साथ में फ्राइड राइस आप होटल में लेंगे और खाएंगे, ये तो मेरे को लगता है इनफ हो जाएगा, बस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारा ज़्यादा है, इतना ख़त्म होने के लिए वो राइस ख़त्म होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बहुत ज़्यादा होने वाला है। हम लोग खाना बहुत लाया था, बोलना पड़ेगा क्या? हाँ एक बोलता उसको, दो बोले अपन राइस बहुत हो जाएगा, एक एक बोलते हैं फिलहाल, बाद में लगेगा तो एक लेंगे। और तो हम लोग अभी खाना घर से लेके आए, देखो और इसको बहुत भूख लगी है, अभी ये भी सुनता नहीं, जैसे खाना देखा है तो बस चिल्लम चली चालू हुई इसकी। हाँ मिलेगा, इसका मस्ती है ना देखने जैसा। हाँ
चलो अभी खाने का टाइम हुआ, बाद में बात करो। अभी खाना खा के हो चुका है, खाना मस्त है कि मज़ा ही खाने के लिए। जो अपने सतीश दादा ने जो खाना लाए थे, उनके वाइफ ने, बहुत अच्छा खाना था। मैंने तो रोटी और जो भाजी पूड़ी थी उससे ही खाया, भाजी जो बटाटे की आलू की भाजी थी उससे ही खाना खा लिया और अच्छा लगा। अभी खाना खा के तो हो चुका है, अभी हम लोग जाएंगे, निकलने की तैयारी है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, जो पैकअप हो रहे हैं। सतीश भाई का जो छोटा बच्चा है वो तो सो गया इधर, बहुत खेला, बहुत मस्ती किया, तो खाना तो उतना नहीं खाया, कम खाया, सो गया। अभी जा रहे हम लोग, पैकिंग चली है, सतीश भाई चल रही है। अभी क्या है, घर पे जाने का, क्योंकि हमको पनवेल में जाएगा है। बराबर, बहुत लंबा जाने का, लंबा जाने का। बाय बस, अगर ट्रेन मिलेगा तो अच्छा है, नहीं तो बाय बस। वही तो है, चलो जाते हैं नीचे देखते हैं। तो चलो अभी हमारी वापसी है, यहाँ से हम लोग रिटर्न जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया में। शाम का वक्त है, सुबह में आए थे हम लोग, अभी शाम में जा रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो पूरा चाहिए घूमने के लिए, है ना सर, पूरा कंपल्सरी एक दिन पूरा चाहिए। सबसे पहला क्या है बताए, इसमें हम लोग फैमिली के साथ आते हैं ना, तो अलग से उसके साथ आते हैं, अलग आते हैं, लेकिन फैमिली हमारा घर पर रहता है, उनको तो पता ही नहीं हम लोग क्या मजा कर रहे हैं, के साथ में ना भाई ट्रैवल आप लोग करो, देखो आपको समझ में आएगा कितना दिक्कत होता है ना भाई, उसको संभालना, उनको संभालना बहुत मुश्किल है। अभी शायद मेरा आवाज आप लोगों को नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि आवाज ज्यादा है, इसलिए आवाज आप लोगों को कम आएगा। तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। डिस्टेंस है मेरे और सतीश भाई के गांव में, तो जाओगा कभी गांव में भी उनके जाओगा, घर पे जाओगा तो आपको पता होगा मैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया में, और एलिफेंटा का टूर हो चुका है कंप्लीट, और मजा आई आज के टूर में, क्योंकि मेरे साथ में सतीश दादा थे, काफी दिनों से इंतजार कर रहा था उनका, तो आज के ब्लॉग में वो आ गए और मुझसे मुलाकात हो गई। यहाँ पर है सतीश दादा, बहुत मजा आया। अभी हम लोग को विदाई लेने का, हम लोग अभी ये रहेंगे यहाँ पे डोंगरी में, डोंगरी अभी यहाँ रहेंगे, और हम लोग जाने का पनवेल में बहुत दूर है, पूरा सब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लेके जाने के लिए रात हो जाएगा, और अभी बाय रोड ये लोग जाएंगे, क्योंकि ट्रेन में जा नहीं सकते, ट्रेन बंद है। लेकिन आज आज का ट्रिप छोटा सा ट्रिप, वन डे ट्रिप एकदम मस्त हो गया, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आए ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आज यहाँ पे आके। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज, बाय बाय, टेक केयर। अली भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने मेरे लोग गए, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो देखते हैं, सब लोग इनको सपोर्ट करो, हमारे गांव के, हमारे गांव के एकदम नज़दीक के ही है, उनको सपोर्ट करो। ओके, थैंक यू, चलो खुदा हाफिज, मिलते हैं वापस अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वसलाम।